अरे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारासिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। कागज के समुद्र के पार। एक बार दिन में खूब धूप निकली थी और हमारे दोस्त कागज की झील में मछली पकड़ने गए। यहाँ ये भी बताना होगा कि उस दिन बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गईं, कि टुक टुक घर वापस जाना ही नहीं चाहता था, वो वही मगन था। मेरा घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पर समय हो गया है, तूफान आ सकता है। टुक टुक, तुम उठो और देखो कि किस ओर से हमें किनारे की ओर आगे बढ़ना है। तभी जोर की आंधी आई और हवा से नाव गोल घूमने लगी। टुक टुक बड़ी मुश्किल से ये बता पाया कि किस ओर आगे बढ़ना है। सीधे नहीं, नहीं बाएं, पीछे पीछे, यानी कि दाएं, नहीं नहीं सीधे। अरे टुक टुक, जरा धीरे, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हवा जरा धीरे से, हम आरी के साथ फंस गए हैं। नाव इतनी दूर चली गई कि टुक टुक को किनारा दिखना बंद हो गया। उसकी नाव तैरती और आगे बढ़ती चली गई। आखिर में नाव को किनारा मिल गया, लेकिन ये किनारा बहुत ही अनजाना किनारा था। टुक टुक, टुक टुक, कहाँ हो तुम? टुक टुक, तुम्हें क्या हुआ? टुक टुक, मुझे क्या हो गया? लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। अरे तुम बिल्कुल ठीक हो, फर्क ये है कि ये हमारा किनारा नहीं है। लगता है हम किसी दूर देश में आ गए हैं, कागजे अफ्रीका में। मैंने इसके बारे में कागजी किताब में पढ़ा था। अरे बैंगनी रंग के बारासिंगा, ये लोग तो आदिवासी हैं। टुक टुक, यहाँ ये बताना जरूरी है कि आदिवासी हमेशा उन्हें कहा जाता है जो दूर द्वीपों पर या तटों पर रहते हैं। वो अपनी खुद की यानी कागजी से अलग भाषा में बात करते हैं। अरे तुम्हें समझ में आया इसने क्या कहा? नहीं, नहीं समझ में आया। टुक टुक, चलो इन्हें मछली देने की कोशिश करते हैं। वो अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, फिर भी वो दोस्त बन गए। आदिवासियों ने अरस्तु और टुक टुक को स्वादिष्ट सूप पिलाया और कागजी अलाव के पास गोल घेरे में अपना नृत्य दिखाया। मेहमान बनना तो ठीक है, पर मैं घर जाना चाहता हूँ। मित्र, क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमारे देश का किनारा कहाँ है? आप जानते हैं ना कि तूफान के कारण हम रास्ता भटक गए हैं। बताइए ना कहाँ है। हमारा घर कागज की दुनिया में है। कैसे समझाओ? कागज की दुनिया। कागज, हुर्रे! लगता है हमारे बीच एक शब्द मिलता हुआ है। आदिवासी दोनों मित्रों को पेड़ों के पास ले गए। यहाँ गिलास के आकार का ताड़ का पेड़ था, उस पर पके फल की जगह कागजी गिलास लटक रहे थे। गिलास को देखते ही अरस्तु के दिमाग में एक उपाय आया, कागजी दूरबीन का। कागजी दोस्त, अली कागज के कप से दूरबीन कैसे बना सकते हैं? पहले दो कागज के खाली कप ले लें, फिर उन्हें टेप से जोड़ दें। अब आंखों से देखने के लिए दोनों कप की तलों में छेद कर दें। लीजिए, दूरबीन तैयार है। हे, देखो देखो टुक टुक, हमारा किनारा दिख गया। अब नई कागज की दूरबीन से दोनों दोस्तों को साफ दिख रहा था कि उन्हें किस ओर नाव को बढ़ाना है। जब तक कि नाव उनके देश के तट तक नहीं पहुंची, वो नाव से आगे और आगे बढ़ते गए। अरे देखो देखो, वहाँ हमारे नए दोस्त दिख रहे हैं।
तो ये कागजी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उसके बाद से दोनों दोस्त झील पर हमेशा अपने साथ दूरबीन लेकर जाते थे ताकि अपने घर का रास्ता खोज सकें और कागजेफिका को और अपने नए दोस्तों को देख सकें। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।